वेलकम टू एस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस पार्ट 3 क्लास 10 के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के मॉडल एक्टिविटी टास्क बांग्ला वर्जन में ही अवेलेबल हैं। हिंदी और इंग्लिश वर्जन के पार्ट 3 के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए काफ़ी सारे स्कूलों ने अपने से रूपांतरित करके क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कराया है। फिर भी चलिए इसके स्टडी पॉइंट आपको हिंदी रूपांतरित किया हुआ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा है और साथ में उसका सॉल्यूशन भी बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस पार्ट 3 क्लास 10 को। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एक्स स्मॉल एक्स वोल्ट है कहने से क्या समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, परिभाषा पहले लिख के बता देना है कि वोल्ट जो विभव होता है तो विभव को वोल्ट में हम लोग व्यक्त करते हैं। यह भी हम लोग जानते हैं कि विभव क्या होता है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं। विद्युत विभव की इकाई या व्यवहारिक इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। ये सारी फैक्ट्स आपको याद करके रखना होगा। आंसर्स को देखते हैं, किसी विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर विभव पोटेंशियल एक्स वोल्ट है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक एक कूलम धनात्मक आवेश को लाने में एक्स जूल कार्य करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं विद्युत विभव V बराबर किया गया कुल कार्य W बटा में आवेश का परिमाण Q। इसका मतलब हो गया V इक्वल टू W बाई Q। इसका मतलब V इक्वल टू Q इंटू V। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, Q का मान दिया गया है 1 कूलम और V का मान X वोल्ट। कूलम एक ये अंडरस्टूड होता है, इसलिए 1 कूलम लिख लिए और X वोल्ट दिया गया है विभव का मान, उसको बैठा दिए। तो देखिए एक गुना X गुना हुआ एक कूलम और एक के साथ में गुना हो गया आपका X वोल्ट, तो क्या हो गया, जूल हो गया। तो W बराबर X जूल हो गया। सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड 16 एम्पियर विद्युत धारा की तीव्रता प्रवाहित होने पर उस चालक से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्णय करो। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया गया है विद्युत धारा की तीव्रता आई बराबर 16 एम्पियर, समय टी बराबर 1 सेकंड, एस एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इतना तक आप लिख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लिखिएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसका मतलब हो गया Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q इक्वल टू आई टी। उसके बाद में Q इक्वल टू 16 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू बैठा दिए। I क्या वैल्यू कितना है, 16 एम्पियर है और टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, Q इक्वल टू 16 कूलम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब क्या होगा, कुल आवेश बटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कुल आवेश कितना है, 16 कूलम है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लिख दिए। ठीक है, आप देखिए इसका दशमलव हट गया तो 10 आ गया ऊपर में अंश में और 10 टू द पावर माइनस 19। अगर अभी तक आप कॉमेंट नहीं किए हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जाइए और कॉमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, किसी विद्युत सेल का विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट है कहने से क्या समझते हो। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आप समझ लीजिएगा और समझने के बाद ही में आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। विद्युत वाहक बल ईएमएफ
विद्युत कोष के दोनों ध्रुव एनोड और कैथोड बाहरी तार द्वारा संयुक्त नहीं रहने पर, अर्थात कोष के खुले परिपथ ओपन सर्किट में रहने पर, दोनों ध्रुवों के बीच का उच्चतम विभवांतर कोष का विद्युत वाहक बल कहलाता है, और यह विद्युत वाहक बल वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी व्यवहारिक इकाई विभव की तरह ही, पोटेंशियल की तरह ही वोल्ट होती है। ये सारी चीज आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ चुके भी होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। किसी विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत सेल के धन ध्रुव निम्न विभव से ऋण ध्रुव उच्च विभव तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में सेल को 1.5 वोल्ट कार्य करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेल की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होकर सेल के दोनों ध्रुवों के मध्य 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करती है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही आसान है, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। और यहाँ पर आप बल लिख लीजिएगा, मिस हो गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक नए वीडियो के बाद मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ओम के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में ओम के नियम का गणितीय रूप को लिखना था और लेखा चित्र का अंकन भी करना था, ठीक है। विभवांतर और धारा की तीव्रता के को लेकर लेखा चित्र बना के दिखाना था। तो सबसे पहले ओम के नियम को समझ लेते हैं। तापक्रम और अन्य भौतिक स्थितियों के अपरिवर्तित रहने पर किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की तीव्रता उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। तो अगर ओम के नियम को आप जानते हैं तो धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता और विभवांतर का कैसा संबंध है, सीधा समानुपाती है आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को गणितीय रूप निकाल के दिखाना होगा ओम के नियम का। तो सबसे पहले माना ए बी एक चालक है जिसमें आई धारा की तीव्रता प्रवाहित होती है। इसके एक सिरे ए बिंदु का विभव वी ए और दूसरे सिरे बी बिंदु का विभव वी वी है। वी ए वी वी से ज़्यादा है, मतलब ए बिंदु पर जो विभव है, पोटेंशियल है, वो ज़्यादा है, और वी बिंदु पर वी वी जो विभव है वह कम है, इसीलिए विद्युत धारा इधर से होकर इधर की ओर जा रही है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा जाती है, ठीक है। तो इसलिए चालक ए बी के मध्य ए और बी बिंदु जो है सिरों का विभवांतर, विभव का अंतर कितना होगा, वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ओम के नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं वी वेरीजेस आई स्थिर तापक्रम पर, मतलब विद्युत धारा जो है और विभवांतर है, इन ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो V वेरीजेस I, वेरिएशन का चिन्ह को जब हटाएंगे तो यहाँ पर V इक्वल टू आर आई आ जाएगा। R क्या होगा, स्थिरांक होगा, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया विभवांतर इक्वल टू प्रतिरोध गुना धारा की तीव्रता, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन हम लोग को ग्राफ बना के दिखाना था विभवांतर और धारा की तीव्रता का लेखा चित्र। तो इस तरह से खींच लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को वी से और वाई एक्सिस को आई से हम लोग दिखा रहे हैं, वी वेरिएशन आई होता है। तो इस स्थिर तापक्रम पर विभवांतर तथा धारा की तीव्रता समानुपाती होते हैं। तो यह ग्राफ आप दिखाएंगे विभवांतर और धारा की तीव्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस क्लास 10 पार्ट 3 अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।